हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स। दिस इज विकास। आज मैं हूँ पावर जेनिक्स की नोएडा वाली ब्रांच पे। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मसल साइज इंप्रूव नहीं हो रहा है या हमें मसल साइज बढ़ाना है तो उसके लिए हम कौन कौन से सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। देखिए, सप्लीमेंट एक सेकेंडरी चीज़ है, जैसे कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बनाता हूँ। तो ये सप्लीमेंट आप तभी यूज़ करें जब आप अपनी डाइट को पहले से ही अच्छा ले रहे हो। अगर आपकी डाइट में इशू है या आपकी डाइट उस तरह से नहीं ले पा रहे हो आप, तो सप्लीमेंट के ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं होंगे। लेकिन अगर आपकी डाइट बहुत अच्छी है और उसमें आप सप्लीमेंट को ऐड ऑन कर देते हो तो आपके रिजल्ट्स डबल हो जाते हैं। तो चलिए, मैं आज जो बताने वाला हूँ मसल साइज के लिए या फिर आपके आपके वेट गेन के लिए कौन कौन से जो सप्लीमेंट है आप यूज़ कर सकते हो। चलिए, जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले हमें प्री वर्कआउट हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट के अंदर कैफीन होता है, बीटा एलिमिन होता है, सिट्रिलिन में एसिड होता है। तो इससे क्या है कि हमारे जो ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लो है वो काफ़ी स्पीड से फ्लो करता है, तो हमें एक अच्छा वर्कआउट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जो लोग मसल साइज के लिए वर्कआउट कर रहे हैं या अपनी साइज को गेन करने के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, वो लोग अपने सप्लीमेंट में प्री वर्कआउट को ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी ब्रांड का ले लें, बस ध्यान रखें कि वो ऑथेंटिक हो और अच्छा हो। इसके साथ साथ जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ प्रोटीन की, प्रोटीन तो मसल साइज के लिए भी और फैट लॉस के लिए सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। लेकिन मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की बात करता हूँ। अगर आप मसल साइज की बात करें यहाँ पे, तो आप ब्लेंड फॉर्म में जो कंसंट्रेट फॉर्म होती है प्रोटीन की वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे डायमेटाइज का ISO 100 आप देख सकते हैं, ये आइसोलेट प्रोटीन है, एक अच्छी प्योर फॉर्म होती है प्रोटीन की इसमें। लेकिन अगर आप एज कंपेयर कोई भी ब्लेंड फॉर्म या कंसंट्रेट फॉर्म यूज़ करते हो मसल बिल्डिंग में, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके आपको दो बेनिफिट है। पॉइंट नंबर वन, एक तो आपकी जो है कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है और यहाँ पे कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। इसके साथ साथ जब आप वेट गेनिंग में या मसल साइज के लिए वर्कआउट कर रहे हो, तो इसमें आपको ये बेनिफिट मिलता है कि इसमें थोड़ी सी शुगर होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वो जिसकी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप यहाँ पे ब्लेंड यूज़ करें। इसके आपको दोनों बेनिफिट यहाँ पे मिलेंगे। और किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करें, बस वो ब्रांड ऑथेंटिक हो और उसमें प्रोटीन वैल्यू अच्छी हो। इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सो आप ये क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट किसी भी ब्रांड का, मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, और किसी ब्रांड को जो आपकी पॉकेट अलाउ करे, बस बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप कैसे किसी ब्रांड की ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हो। वहाँ से टैग आपको मिल जाएगा, इंपोर्टर की इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ, तो यहाँ पे आप देखिए काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं जो इंपोर्टर्स हैं, जहाँ से हम ऑलरेडी इंपोर्ट करते हैं चीज़ों को। तो ऐसे आप जहाँ से भी परचेज करो, आपके नियर बाई जो भी चीज़ है, ऑनलाइन आप परचेज करना चाहते हो, तो ऑथेंटिसिटी ज़रूर चेक करें। तो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ये पर डे आपको 3 ग्राम कंज्यूम करनी है, वर्कआउट से पहले आप इसको ले सकते हो। तो ये आपका हो गया थर्ड सप्लीमेंट जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ यूज़ कर सकते हैं इंट्रा वर्कआउट में, जब आप अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, साथ में आप BCAA यूज़ कर सकते हो। ये आपकी रिकवरी के लिए बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। अगर मैं बात करता हूँ PCT Pro की, अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर आप जो है, इसके अंदर जिंक आपको मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है। ये काफ़ी आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, राइट। इसकी जगह अगर आप PCT के नहीं आपके पास अवेलेबल है या किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, तो आप अश्वगंधा भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपकी जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम करता है अश्वगंधा। इसके साथ साथ जो आपका मसल बिल्ड जो होते हैं उसमें रिलैक्सेशन में काफ़ी हेल्प करता है, राइट। रिपेयर में काफ़ी हेल्प करता है, आपकी स्लीपिंग में काफ़ी हेल्प करता है। जब आप अच्छी नींद ले पाओगे तो आपके मसल अच्छे रिपेयर होंगे और आप जल्दी से गेन कर पाओगे अपने साइज़ को। तो आप PCT के सब्स्टिट्यूट में अश्वगंधा यूज़ कर सकते हो डेली दूध के साथ, राइट। इसके साथ कुछ बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हैं या नहीं करते, आप अपने रूटीन में, डेली रूटीन में मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 फिश ऑयल किसी भी ब्रांड का आप यूज़ करें। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप वर्कआउट करते हैं नहीं करते, आपके हार्ट हेल्थ के लिए ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, राइट। और मल्टीविटामिन, जैसे कि मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में आपको बताया कि विटामिन इतनी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी को, क्योंकि जब आप अपना फूड इनटेक करते हो, जो नेचुरल डेली आप डाइट ले रहे हो, उसके अंदर वो मिनरल्स, वो विटामिन कंप्लीट फॉर्म में नहीं होते हैं, तो आप मल्टीविटामिन ऐड कर लें।
तो ये तो आपको सपोर्ट करेगा आपकी मसल बिल्डिंग में, और अगर नेचुरल हेल्थ में भी आपको सपोर्ट करेगा। बस यही कुछ बेसिक्स सप्लीमेंट है जो आपको अपनी डाइट में ऐड करने हैं। बट इसका ध्यान रखिए कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, आपकी जो डेली वैल्यू है प्रोटीन की, कार्ब्स की, फैट की, अगर वो नेचुरल डाइट से आप ले पा रहे हो और उसमें कुछ आपको ऐड ऑन करना है तो आप ये चीज़ें ऐड कर सकते हो। इससे आपके रिजल्ट्स जल्दी आएंगे। हाँ, जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ भी ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है। ये बेसिक से चीज़ें हैं जो आप अपने डाइट में ऐड करें और आप डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और इन्फॉर्मेशन के साथ। जैसे कि आज ये कमेंट आया था तो मैंने ये वीडियो बनाई, नेक्स्ट टाइम आप फिर से हमें कमेंट कीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उस कमेंट पे हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।